नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि सीधे तौर पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है और सभी पार्टियां इसको अपने साख से जोड़कर देख रही हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर 12 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में अगर वो सीधे तौर पर जीत दर्ज करती है तो उसके लिए कम से कम ये दावा मजबूत हो जाएगा कहने के लिए कि मोदी की हवा कमजोर हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही है। उसे लगता है कि अगर करारी शिकस्त मिल गई या उपचुनाव में सरकार ने बाजी मार ली, क्योंकि उपचुनाव सरकार का होता है, तो शायद जनता के सामने उसे जवाब देना मुश्किल हो जाए कि उसने शिकस्त मिली क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ 73 लोकसभा के सांसद जीत कर आए हैं और ऐसे में अगर नाकामी हाथ लगती है तो सीधे तौर पर उसे कसूरवार ठहराया जाएगा। मसला सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टिका हुआ है। इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अमित पुरी साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अशेक देव साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार सियासी जमीन किस तरीके से तैयार हो रही है, क्योंकि आज ही लखनऊ में हमने एक चीज़ देखा कि खुल करके अहमद हसन और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता से मुखातिब हुए और साथ ही साथ मीडिया पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि 20% जो अपराध हैं बलात्कार के, फर्जी हैं। और एक बात और निकल कर सामने आई कि जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मीडिया जिम्मेदार है। एक चीज और जोड़ेंगे हम मैनपुरी से, जहां पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की तीसरी पीढ़ी का राजनीति में प्रवेश हो रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह के बाद उनके भाई शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, बेटे अखिलेश यादव, बेटे की पत्नी डिंपल यादव, भतीजे धर्मेंद्र यादव, ये सारे सक्रिय राजनीति में हैं। लेकिन अब उनके पोते का राजनीति में प्रवेश हो रहा है, मैनपुरी से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि उस चुनाव में और कुछ क्या पकने वाला है। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनमें से 11 सीटें जीती थी। इन सीटों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी ने इन 11 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर अपने दिग्गज नेताओं और सांसदों की भी जवाबदेही तय कर दी है, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी दायित्व सौंपा है और बीजेपी की निगाह इन सभी सीटों पर है। प्रदेश की जनता चाहती है न सपा हो न बसपा हो, अब की बार भाजपा हो। जबकि समाजवादी पार्टी ने भी इन सीटों पर अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने हर एक सीट पर 2-2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और इस बात की ताकीद कर दी गई है कि हर हाल में इन सीटों को जीतना है। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और अपनी हार के खतरे से परेशान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इन उपचुनाव में जीत के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। कौन कह देगा कि फैजाबाद में दोनों लड़के और लड़कियों के संबंध नहीं थे? कोई एक पत्रकार साथी हमें कह दे या कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें कह के दिखा दे कि लड़के और लड़कियों के संबंध नहीं थे, कौन कह के दिखा दे एक भी? उसमें जात और धर्म की लड़ाई करते हो आप लोग? आप बेईमान लोग हो, आप झूठे लोग हो और आपने राजनीति को धोखा दिया है। 13 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने ताकत का एहसास कराना चाहती है। बीजेपी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है जिसमें पास होने के लिए बीजेपी ने अपना सब कुछ लगाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पैदा हुए मोदी इफेक्ट की भी जांच इस उपचुनाव से हो जाएगी तो सपा भी अपने दरकते हुए किले को बचाने में जुटी है। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ। आपने देखा किस तरीके से सियासी जमीन पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से आमने सामने सीधे तौर पर टक्कर ले रहे हैं। उसका कारण यह भी है कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है, अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने घोषित तौर पर मैदान छोड़ दिया है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है तो उपचुनाव नहीं लड़ती है। सिर्फ सत्ता में होती है तो उसे उपचुनाव की याद आती है, कि उसके मन में इस बात का ख्याल है कि ये उपचुनाव सरकार के होते हैं और सरकार में रहते हुए उपचुनाव को आसानी से जीता जा सकता है, इसलिए जब जब वो सरकार में होती है उपचुनाव लड़ती है, लेकिन जब जब वो विपक्ष में होती है उपचुनाव से अपने आप को किनारे कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला अगर उपचुनाव को लेकर उठा है तो उठेगा लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ पूर्वी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से प्रदेश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह की लोकसभा सीट है और जो सीट खाली हुई है वो कलराज मिश्रा की सीट है। कलराज मिश्रा भी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्री हैं और ऐसे में सबकी निगाहें थी कि भारतीय जनता पार्टी किसे वहां से अपना प्रत्याशी बनाती है। कई नामों के उहापोह के बीच में अब जिस नाम का ऐलान लगभग तय हो चुका है उसमें
दिनेश शर्मा जो लखनऊ के मेयर हैं दो बार से लगातार, उनका नाम लगभग तय कर दिया गया है। अभी हाल ही में अमित शाह ने उन्हें अपनी टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। अब सवाल ये उठेगा कि आखिरकार इतनी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी लेने का मन बना रही है तो 12 विधानसभाओं पे किस तरीके से उसके उम्मीदवार सामने आते हैं, क्योंकि अभी तय हो चुका है कि दिनेश शर्मा ही पूर्वी सीट से विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। तो वैसे एक बात मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक सीटों का औपचारिक ऐलान न हो जाए तब तक कयासी कहे जा सकते हैं। अमित पुरी साहब, क्या कुछ बनता हुआ देख रहे हैं आप पूर्वी विधानसभा सीट पे? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं और उनके सहयोगी दल की सीटें हैं उन्हें दोबारा अपने दलों में वापस जीत करके लौटता हुआ देख रहा हूं, और लखनऊ पूर्वी भी उसका एक हिस्सा है। पूर्वी सीट पर जिस तरह दिनेश शर्मा जी का नाम अब सामने आया है, दो बार से लगातार मेयर हैं, और माना जा रहा था कि कठिन चुनौती होगी। उपचुनाव सरकार के वर्चस्व में जब होता है तो कई बार अपोजिशन आरोप भी लगाते हैं कि उपचुनाव में इसलिए हार गए क्योंकि सरकार का वर्चस्व था। अभी उत्तराखंड में भी इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई कि 3 जो उपचुनाव हुए विधानसभा सीटों पर उसमें रमेश पोखरियाल निशंक की जो सीट थी वो भी तक हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो किस तरीके से देखते हैं खासतौर से लखनऊ की सीट को जिस पर अब आप मेयर को अपने उतारने जा रहे हैं चुनावी मैदान में? देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा 2 बार से लखनऊ के महापौर हैं, उन्होंने काम किया है, और मैं मानता हूं कि लखनऊ पूर्वी का हिस्सा, मैं क्या मानता हूं वो स्वाभाविक है, उस मेयर की सीट का एक अंश है और वहां भी विकास के तमाम काम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और मेयर ने और पूर्व में कलराज जी के द्वारा कराए गए हैं, और मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें हमें पुनः जन समर्थन के लिए आवश्यक बहुमत देने का काम करेगी। अशोक देव साहब, जूही सिंह को आपने दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, पिछली बार वो शिकस्त खा गई थी और इस बार सीधे तौर पे माना जा रहा था कि कोई अगर सक्षम कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है तो जूही सिंह के लिए रास्ता आसान होगा, सरकार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, उपचुनाव ऐसे भी माना जाता है सरकार के लिए फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जनता को ये लगता है कि अगर उपचुनाव हो रहा है और सरकार किसी की बहुमत के साथ चल रही है तो उसके पार्टी का कोई विधायक चुना जाएगा तो शायद विकास ज्यादा होगा। ऐसी परिस्थिति में आप मेयर दिनेश शर्मा को कितना सशक्त उम्मीदवार मानते हैं और किस तरह की रणनीति देखते हैं दिनेश शर्मा को जो उतारा गया लखनऊ विधानसभा की पूर्वी सीट पर? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी थी तो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वायदा किया था और एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। महंगाई बढ़ गई, बिजली के जो सप्लाई होना चाहिए राज्यों को, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी है, कि जो सेंट्रल पुल से बिजली मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश को वो नहीं मिलता है। 6,500 मेगावाट मिलना चाहिए, 3,700 मेगावाट दिया जा रहा है। बिजली प्रोडक्शन के लिए कोयला नहीं दे रहे हैं हमारे हिस्से का, जिससे बिजली प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ये जानबूझ करके उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने वायदा चूंकि नहीं कर पाए, महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और रेल किराया बढ़ा दिए, तो इनकी जितनी भी वादा है इसे आम जनता समझ गई है, केवल वादा करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी में नेता जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 2 साल में इतना ज्यादा विकास किया, आम जनता तक पहुंचाया कि सारे अपराधी जेल से बाहर आ गए, सारे अपराधियों का बोलबाला हो गया, अपराध का बोलबाला हो गया, एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी। ऐसा राज है सबसे कम अपराध यही है। अगर अपराध की बात करते हैं, जहां आप अपराध की बात करते हैं, केवल मैं एक उदाहरण अभी इनसे एक प्रश्न पूछूंगा लेकिन मैं वहां आ रहा हूं, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे लखनऊ पूर्व का, तो जो हमारी प्रत्याशी थी पहली बार हार गई थी, लेकिन उसके बाद से 2 साल 2.5 साल से लगातार वो आम जनता के साथ लगी हुई हैं। उन्होंने विकास का कार्य सरकार की मदद से खुद अपने प्रयास से कराया है। आम जनता से बिल्कुल वो मिल चुकी थी, आम जनता उनको चाहती है, वो बहुत वोटों से जीत रही है। रह गई बात डॉक्टर शर्मा जी का, तो उनपे वो पीछा नहीं छोड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, ये बात उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जान गई है। रह गई बात जो भ्रष्टाचार में कितने दिन में, देखिए अशोक देव साहब, अभी सरकार को बने हुए 100 दिन भी नहीं हुए हैं, अगर उसके काम का आप मूल्यांकन इस हिसाब से कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, अभी कुछ दिन पहले सर्वे आया है कि जो जनता का एतवार है वो नरेंद्र मोदी के प्रति है, जनता उनको भी पसंद करे, लेकिन आप ये देखें अगर जनमत मिलता है और आपके पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव वो खुद कहते हैं अगर किसी भी पार्टी को जनता का जनादेश हासिल है तो उसको 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि 6 महीने तक वो मोदी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो आकलन करेंगे और 6 महीने बाद वो बयान देंगे। आज की तारीख में अगर इस तरह की स्थिति है, बयानबाजी का दौर चल रहा है कि अभी सरकार को बने हुए 100 दिन भी नहीं हुए और उसके काम के मूल्यांकन के आधार पर आप उसकी आलोचना या समालोचना कर रहे हैं, तो सवाल तो ये उठता है कि जिसकी 2.5 साल से सरकार चल रही है उसको क्या मिलेगा? 15 तारीख को वोट हुआ था, 15 मार्च को, उस दिन मंच टूट गया, कार्यकर्ताओं ने पूरे मंच को ऐसी तहस नहस कर दिया। आज जिस कार्यक्रम मुख्यमंत्री गए थे वहां खाने के लिए आपके कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों से भिड़ गए, तो परिस्थितियां तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी जरूरत थी उत्तर प्रदेश की जनता को कि कानून व्यवस्था ठीक हो, अपराध से निजात मिले, वो तो नहीं हो पाया।
विनय जी, मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2-3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी तो इन्होंने वादा किया था कि हम किराया कम करेंगे। क्या इन्होंने रेलवे किराया कम किया? क्या इन्होंने महंगाई कम किया? महंगाई बल्कि कम करने के बजाय इन्होंने बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। तो कुछ तो करना चाहिए था। रह गई बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जहां भी नन बीजेपी के गवर्नमेंट की सरकारें हैं उनको या तो बदनाम किया जा रहा है या तो उनके मुख्यमंत्रियों को अपमानित किया जा रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और हरियाणा में किया गया है। रह गई बात अपराध की, बात कर रहे हैं आप, मैं अपराध की यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, खोरा गांव है मोरेना जिले का मध्य प्रदेश में, वहां 7 दिन पहले एक लड़की को उठाया गया, बलात्कार किया गया, मर्डर किया गया, पेड़ से लटकाया गया, आज तक जो है FIR दर्ज नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथियों से, इतनी बड़ी घटना हो गई मध्य प्रदेश में और वहां सबसे ज्यादा भारत की बलात्कार होता है, क्या ये बानकी मून साहब के पास पहुंचा? क्या ये कैरी साहब के पास जानकारी गई? जबकि बदायूं में बिल्कुल फ्री एंड फेयर FIR हुआ, जांच चल रही है, CBI ने सिद्ध कर दिया कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसको जो है 7 समंदर पार पहुंचा दिया गया इस षड्यंत्र के तहत। मैं पूछना चाह रहा हूं, कम से कम गनीमत है कि CBI को आप कम से कम इस मामले में क्लीन चिट दे रहे हैं कि CBI ने सफाई के साथ चीजों को रखा। जब तक आपकी पुलिस जांच कर रही थी तब तक उसमें विवाद था। CBI को लेकर बार बार कहा जाता था कि केंद्र सरकार का उत्तोता है, केंद्र सरकार की भाषा बोलता है, लेकिन केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अगर उसके नेतृत्व में, उसके सानिध्य में CBI पनप रही है, उसने कम से कम ऐसी रिपोर्ट दी है जिससे अखिलेश यादव सरकार को सेफ गार्ड मिल रहा है, तो आप कम से कम इस सरकार को बधाई तो देंगे कि CBI को उसने फ्री छोड़ा है। ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, देखिए CBI ऑटोनॉमस बॉडी है, देखिए नहीं उसने एक बात और कहा, पूरी साहब उन्होंने कहा कि एक पार्टी का विधायक जिम्मेदार व्यक्ति ने उन लाशों को तब तक लटकने दिया जब तक कि मीडिया के लोग नहीं आ गए। आप बताइए सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? अशोक देव साहब, अब उस पुरानी बात पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मोहनलालगंज में आपकी पुलिस खड़े होकर तमाशबीन रही, अपने मोबाइल से उस महिला के चित्र उतारती रही, साथ में जो लोग वहां गए वो अपने मोबाइल से पिक्चर खींचते रहे, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं थी पुलिस के अंदर कि एक कपड़ा उस शरीर पर डाल दें जो कि नंगी पड़ी हुई हालत में और खून से लथपथ थी। तो इसके लिए कम से कम आप उस विधायक को कहां की कहानी ना समझाएं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर पुलिस थी उसकी जिम्मेदारी क्या थी, कुछ डेड बॉडी को ऐसे नंगे छोड़ दिया जाए, लोग आकर तमाशबीन होकर उसको देखते रहे और उसके पिक्चर को खींच करके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें। अमित पुरी साहब, जिस तरह की परिस्थितियां आज के सामने हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? हमारे लिए उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में सकारात्मक विकास की राजनीति के लिए हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाए, और 2 उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक उन्माद से रंगी राजनीति को मुक्ति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी। आपने सांप्रदायिकता का जिक्र किया, लेकिन लांछन और या दाग आपकी भी पार्टी पर है कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की घटना हुई उसके बाद से जो सियासी फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव के बाद चाहे सहारनपुर का मसला हो, कांठ का मसला हो, चाहे लखनऊ में आप सिया सुन्नी के ही मसले को ले लें, उसको भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने हवा दी, फैजाबाद का मसला है उसमें भी आप लोग राजनीतिक तूल देने का काम करते हैं, ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। विनय जी, मैं इस पे कुछ विषय जी रखूं। जहां तक मुजफ्फरनगर की घटना की बात है, आजाद हिंदुस्तान के अंदर सेना 3 जिलों के अंदर, और जिन 3 जिलों में वो सेना गई थी आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार सेना वहां गई, सेना पर बकायदा AK-47 से हमला हुआ, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति है। मुजफ्फरनगर का यह कांड हुआ ना होता अगर वहां पर DGP गए थे, उन्होंने अनुमति दी कि वहां पर महापंचायत हो। उन्हीं DGP की जानकारी में यह विषय भी था कि पुलिस ने एक छोटी सी घटना को इम्प्लीकेट करने के लिए गलत लोगों को नामजद किया, और स्वयं उस पुलिस ने इतने बड़े दंगे के बाद यह स्वीकार किया कि हमने वह गलत लोगों को इम्प्लीकेट किया था। यह उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अक्षमता के कारण दंगे हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का और उसके नेतृत्व का और किसी सांप्रदायिक सोच का कोई लेना देना नहीं है। अशोक देव साहब, हम आपके पास आए, जवाब दे दीजिए साहब का, मैं जवाब दे दूं पूरी साहब, मैं जवाब दे दूं, इसलिए सांप्रदायिक पूरी साहब, मैं अशोक देव के पास ही जा रहा हूं। अशोक देव साहब, आप आरोप, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप जिस तरीके से अभी अमित पुरी साहब ने कहा एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, आप भी आरोप लगाते हैं कि सब बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के लोगों ने उन्माद फैला दिया, बीजेपी के लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, ओबामा की सरकार है या किसी और की सरकार है? सरकार अखिलेश यादव की नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार के पास इस तरह के इनपुट है या प्रमाण है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपने ठोस कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की?
विनय जी, पहले मैं बात ये बता दूं, जो सांप्रदायिकता की बात है, दंगा कराने की बात है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथी से कि कर्नाटका के बीजेपी के विधायक कहते हैं, यूपी की बात मत करिएगा आप, मध्य प्रदेश कर्नाटक हिमाचल ही रहिएगा, इसलिए कि यूपी के बाहर से आग लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और भारत में दंगा रोकना है तो 2002 का गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। क्या है 2002 का गुजरात मॉडल? यही तो है कि अल्पसंख्यक बेगुनाह लोगों की हत्या करा देना, ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं। अभी तत्काल इन्होंने कहा ये सांप्रदायिकता फैलाना हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ? देखिए अशोक देव साहब, मुझे इस तरह की सियासत से थोड़ी नफरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक गुजरात में 2002 में दंगा होता है तो उस दंगे की सियासी रोटी लगातार अब तक से की जा रही है, लेकिन 84 में सिख दंगा होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उसमें सरकार नहीं कंट्रोल कर पाई। यूपी में लगातार सांप्रदायिक तनाव आपके पास आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी तनाव की स्थिति पैदा है, लगातार सांप्रदायिक तनाव और दंगे हो रहे हैं, तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, आपकी सरकार आप जिम्मेदार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगे स्पॉन्सर करती है, समाजवादी पार्टी दंगे कंट्रोल करती है। मुजफ्फरनगर का दंगा 24 घंटे में कंट्रोल कर लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये पहला ऐसा दंगा था जो कि उन लोगों को जो प्रभावित थे उससे उनको हमने स्थापित भी किया था, उनको कंपनसेशन भी दिया था सरकार से। मैं पूछना चाहता हूँ कि गोधरा में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, भागलपुर में हुआ था, क्या कभी जो है मैं दंगा पीड़ित लोगों को इन्होंने पुनर्विस्थापित करने काम किया था? केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। सुप्रीम आप नहीं देखिए, वो टेक्निकल फॉल्ट सरकार से मतलब नहीं था, वो सबको दिया गया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सही काम किया है, कम से कम पुनर्विस्थापित करने का काम किया है। देश ने कई दंगे देखे हैं, उसने भिवंडी का दंगा देखा है, भागलपुर का दंगा देखा, हासिमपुरा का दंगा देखा। दंगों की अगर फेहरिस्त उठाएंगे तो इतिहास के पन्ने उससे रंगे पड़े हैं। सिर्फ अगर इतना कहना कि आप अगर दंगे को कंट्रोल करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार है, सक्षम सरकार है, मजबूत सरकार है, तो कंट्रोल क्या होता? जो दंगाइयों को कुचलते क्यों नहीं आप? हम कुचल रहे हैं, बिल्कुल कुचल रहे हैं। कितने लोग, केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। देखिए, तत्काल तो कोई कुछ नहीं कर सकता, केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। हमने दंगा रोका मुरादाबाद का, हमने मेरठ का रोका, हमने सहारनपुर का रोका। ये तो चाहते थे दंगा कराना, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, गिरफ्तारी नहीं हुई पूरी साहब, एक उदाहरण दे दूं आपको। 20 दिन 25 दिन बाद शिवपाल जी जाते हैं और बताते हैं कि राघव अफगनपाल वास्तव में उसमें नामजद अभियुक्त तो होने चाहिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सहारनपुर में जब एक टीम गई है, कमेटी गई है, वहां 1000 लोगों से ज्यादा सर्किट हाउस में बैठ करके व्यक्तिगत रूप में मिला गया, सबने जो बताया उस आधार पर रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को सौंपी गई थी। तो वहां जो दोषी पाया गया उसका नाम आया। मैं उदाहरण बता दूं आपको, आप दूसरा उदाहरण बताऊं, पुलिस की फैजाबाद में केस हुआ, सरकार तत्काल एक्शन में आई, उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो अयोध्या के हैं, वहां के बीजेपी के नेता तुरंत जो है राजनीति करने पहुंच गए। मैं इनसे कहना चाहता हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के नाम पे राजनीति करना बंद करें और विकास की बात करें। क्या ये विकास की बात कर रहे हैं? बहन बेटियों की बात, अशोक देव साहब, अशोक देव साहब, ये चुनावी मंच है, ये चुनावी मंच है, ये चर्चा का भी एक मिनट, अमित पुरी साहब, वही मैं जा रहा हूँ कि आखिरकार बहन बेटियों के अगर राजनीति और बहन बेटियों के नाम को लेकर सियासत की बात का आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर ये पूछना पड़ेगा ना कि मुलायम सिंह यादव जी अगर मंच पर खड़े होते हैं चुनावी मौसम में तो क्यों इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर कोई लड़का अगर इस तरह की गलती में इन्वॉल्व होता है उसको छोटी गलती माना जाए, उसे नादानी माना जाए, उसे कठोर कार्रवाई नहीं, उसको समझाने से काम चल जाएगा, जबकि आप ही के पार्टी की जो नेता है राज्यसभा में जया बच्चन, वो खुल करके वकालत करती है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। आप खुद सोचें कि सियासी मानदंड से अपराध को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुण दोष के आधार पर अगर फैसले नहीं होंगे तो शायद प्रदेश का भला नहीं हो सकता। राय साहब, माननीय नेताजी ने चुनाव के दौरान जो बात कही थी, नेताजी ने उसे जवाब दिया था। उन्होंने दंड का जो प्रकार है उसके तीसरे सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत उनको बात बोला था, और वो बात बोली थी जो विश्व समुदाय बोल रहा है, जो महात्मा गांधी ने बोला था, जो विनोबा भावे ने बोला था कि फांसी के शब्द पुनर्विचार किया जाए, बाकी अगर दोषी कोई है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और उसको जो है उसको मेरी बात सुनिए, फांसी के शब्द बात कहा था उन्होंने, फांसी के शब्द बात कहा था कि फांसी के शब्द पुनर्विचार होना चाहिए, और इसको जो है गलत रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन मैं साथ ही ये कहना चाहता हूं, मोहन भागवत साहब क्या कहते हैं कि वो विदेशी लड़कियों की प्रशंसा करते हैं, भारतीय लड़कियों की बुराई करते हैं, क्या बुराई दिखती है? इनके विधायक जो बैठ करके उन लड़कियों का फोटो देखते हैं कर्नाटक विधानसभा में, क्या करते हैं ये? समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी सबको लेकर साथ चलने का काम करती है। कि आपको उत्तर प्रदेश से ज्यादा कर्नाटक और मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। मध्य प्रदेश तो बगल का राज्य है, ऐसे भी असर आना चाहिए पड़ोसी राज्य का, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है जिस तरीके की सियासत की बात हो रही है उसमें एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जमीन तैयार है किस आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन आज लखनऊ में मुख्यमंत्री ने भी एक नई दिशा दी।
सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाउडस्पीकर की होती है सिफारिश, लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति की जाती है, साथ ही शौचालय का लेकर उन्होंने जिक्र किया कि शौचालय से तो काम चलेगा या नहीं चलेगा, लैपटॉप की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप से भ्रष्टाचार खत्म होगा। किस तरह की सियासत को लेकर के वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये झूठों की पार्टी है, और आखिरकार नरेंद्र मोदी पर किस तरह निशाना साधा, इसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने लैपटॉप जोड़ दिया, और लैपटॉप मैंने इसलिए जोड़ दिया, ये जितनी पीढ़ी बैठी है हमारे सामने, छोटे जितने दसवां पास किए, बारहवां पास किए, ये जानते हैं कि लैपटॉप कितना इनकी मदद कर सकता है जीवन में, लैपटॉप से कितनी मदद ली जा सकती है। ये अब राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने लैपटॉप को झुंझना बोला था। अब बताओ ये जितने छात्र छात्राएं हैं इसमें कितने लोग हैं ये जानते हो, ये मानते होंगे कि लैपटॉप झुंझना है, लैपटॉप मदद करता है पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। एक राजनीतिक दल है जो जमाना लैपटॉप का है, SMS का है, मोबाइल का है, और वो लगे हुए लाउड स्पीकरों में, कि लाउड स्पीकर बजेगा कि नहीं बजेगा, यहाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं चालू लोग, उन्होंने लैपटॉप की भी बुराई की, लेकिन लैपटॉप उन चालू लोगों को, झुंझने वालों को याद रखे। इसलिए मैं दसवां और बारहवां पास बच्चों को दे रहा हूँ, मेधावी छात्रों, उन्हें समझाना आप जाकर के गांव में, कि अगर आप लैट्रिन और बाथरूम की बात कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लैपटॉप हमारी मदद करेगा, पढ़ाई में मदद करेगा। आपने देखा जिस तरीके से अखिलेश यादव सीधे तौर पर वकालत कर रहे हैं लैपटॉप को लेकर के, उनको पता चल चुका था कि जिस समय उन्होंने लैपटॉप स्कीम बंद की थी उनके पूरे प्रदेश में आलोचना हुई, इसलिए उन्होंने थोड़ा उसका परिवर्तित रूप लिया है। अब मेघावी जो छात्र हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा, उस भीड़ से उन्होंने अब लैपटॉप को अलग कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो सबको लैपटॉप नहीं बांट सकते। तो कम से कम एक बदला हुआ, एक स्वरूप बोले का सामने आया कि एक फेस सेविंग फार्मूला उनके पास रहे कि लैपटॉप को उन्हीं को जरूरत है जो कम से कम पढ़ना लिखना चाहते हैं, सिर्फ पास आउट बच्चों को लैपटॉप देने से कोई फायदा नहीं होगा। अमित पुरी साहब, कम से कम एक कदम जो उन्होंने बैक रोल किया था उसमें एक संशोधित रूप के साथ फिर आपके सामने आ गए हैं, और एक दावा आपके सामने वो रखेंगे कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि जब हम लैपटॉप बांट रहे थे तब उसे झुंझुना कहते थे, जब लैपटॉप बंद कर दिया तो उन्होंने कहा वादा खिलाफी कर रहे हैं, अब फिर अखिलेश यादव लैपटॉप बांटने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वादा खिलाफी तो हो गई, लैपटॉप के साथ टैबलेट भी बटने थे, और टैबलेट आज तक उत्तर प्रदेश की धरती पर एक नहीं बटा, और बड़ी चर्चा के साथ इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था। और आज का ये जो रोल बैक कह लीजिए, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड कह लीजिए, यह सरकार कंफ्यूज है, इसे मालूम नहीं है कि लैपटॉप बांटने से वोट मिलेंगे या ना बांटने से मिलेंगे, कुछ को बांटने से मिलेंगे कि सबको बांटने से मिलेंगे, क्योंकि कोई स्टडी नहीं की गई, सीधे सीधे चुनाव के मंचों पर चले गए, एक घोषणा की, ताली ज़्यादा बट गई, लगा वोट मिल गए और एक घोषणा को आगे बढ़ा दिया जी, फिर एक चुनाव हार गए, लगा ताली गलत पिटी थी, कहा कि अब भद पिट गई है, अब इसे वापस ले लो, फिर ज्यादा आलोचना हुई तो फिर कहा थोड़ी ताली पिटवाने के लायक लैपटॉप कमरों में बांट लो। तो इनको कुछ इसकी कहीं स्कीम की जानकारी नहीं है, ये तो केवल पेस मील पर टिटबिट एक्सरसाइजेस कॉस्मेटिक नेचर की डेवलपमेंट की जा रही है, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की कहीं कोई कल्पना इस सरकार के पास नहीं। देव साहब, जिस तरह की बात अमित पुरी साहब ने कहा है कि इस सरकार में एक बार 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 देखने को मिला कि कोई फैसला होता है फिर उसका रोल बैक हो जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे याद है जब अखिलेश यादव का जन्मदिन था और विधानसभा का सत्र चल रहा था, सबने उनको जन्मदिन की बधाई दी, और खास तौर पर प्रमोद तिवारी उस समय विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने एक रेफरेंस कोट किया कि गिफ्ट के साथ साथ रिटर्न गिफ्ट की परंपरा है, जिसमें कहा गया था 100-100 हैंडपंप दे दिए जाए, तो उस रिटर्न गिफ्ट में कहा गया कि विधायक निधि से लोग अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीद लें। चार घंटे भी नहीं बीते उसकी आलोचना, उसको रोल बैक कर दिया गया। एक अच्छी बात है एक लोकतंत्र के हिसाब से कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसको जिद पर कम से कम मुख्यमंत्री नहीं आए, उनको लगा कि फैसला गलत हो गया उसको वापस ले लिए, लेकिन बार बार कोई फैसला लिया जाए उसको वापस कर लिया जाए, कोई नियुक्ति हो उसको तुरंत पलट दिया जाए, तो कम से कम साख पर बट्टा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ये पूरी साहब कह रहे थे कंप्यूटर पर लैपटॉप पर, जब उत्तर प्रदेश सरकार लैपटॉप बांटना शुरू किया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और विरोधियों ने कहना शुरू किया कि ये झुंझुना इसे कोई फायदा नहीं होना है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बांट दिया फिर जब ये देखने लगे कि नहीं इसे फायदा आम जनता को मिल रहा है तब ये दूसरी बात कहने लगे। रह गई बात जब हमने बंद किया तो फिर हमारी ये शिकायत करने लगे, जो कि हमने बंद नहीं किया, हमने जो है चूंकि दूसरे फेज में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना था, दूसरे मद में हमें विकास काम करना था जो हमने किया बजट में दिया है।
दूसरी बात इनसे मैं खुद पूछना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं, एक पॉइंट आप पूछ रहे थे अभी लास्ट में, क्या पूछा था आपने? अब आप बताइए मैंने क्या पूछा है। लेफ्ट, मैं तो सीधे तौर पर ये कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियां हैं, आपने जैसे कहा कि गाड़ी खरीदने वाली बात मैंने कही, गाड़ी वाली देखिए जी, गाड़ी की बात आप कर रहे थे। आज ऐसे भी कुछ विधायक हैं अपने प्रदेश में जिनके पास गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी से नहीं चलते हैं, रिक्शे चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने सही डिसीजन लेने का काम किया, लेकिन कुछ लोग फिर उसका विरोध शुरू कर दिए, उसमें भी राजनीति करने लगे, तो फिर उन्होंने ठीक है बहुमत को देख करके उन्होंने उसको हटा लिया। तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता, कम से कम मुख्यमंत्री सबकी सुनते तो हैं, यहाँ तो हैं, जहाँ ही के मुख्यमंत्री हों, चाहे किसी भी राज्य के हों, चाहे प्रधानमंत्री, किसी सुनते ही नहीं है, सिवाय अपमानित करना, सिवाय जो है प्रदेशों को आरोप मरना, इसके अलावा इनके जी में कोई काम नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहते हैं कि जो बगल के मुख्यमंत्री सुनते हैं, नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता था कि पब्लिक के बीच में रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी बारे में कहा जाता है कि पब्लिक के बीच में रहते हैं, रमन सिंह के बारे में कहा था पब्लिक के बीच में रहते हैं। तो आखिरकार जो नरेंद्र मोदी की आप बात करो, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद जनता ने अगर उनको अपना नेता मान के प्रधानमंत्री कुर्सी बैठाया है तो किसी तनाशाह को चुना नहीं होगा। लोकतंत्र में तो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जीतता है और जाके कुर्सी बैठता है, तो किसकी आलोचना कर रहे हैं आप? ये बताइए कि लोकतंत्र में कोई शीर्षस्थ जो नेतृत्व कर रहा है किसी स्टेट के किसी अपने सबॉर्डिनेट को, क्या अपने सामने अपमानित करने देगा? उसने जवाब दिया, मैं पूछ रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने जवाब दिया उन्होंने, क्या एक शब्द कोई इस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया? कोई शब्द बोले, कोई शब्द बोले उन्होंने? सवाल इस बात के आप बताइए, हमारे मन नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मनेगा नहीं, आपके सामने है, आप खड़ा होकर के कोई मुख्यमंत्री, सवाल इस बात का नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, मनेगा मनेगा हमारे यहाँ बजट है, मनेगा हमारे यहाँ बजट है, 5,000 से ज्यादा का बजट हमारे यहाँ है, आप 232 जनता 232 करोड़ तक दिए, आपने बजट नहीं दिया, आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप मनरेगा का हमारा बजट क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे हिस्से कोयला क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे हिस्से बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, अगर हमारे की सुनिए अशोक देव साहब, आप जिस हिस्से की वकालत कर रहे हैं, जिस UPA 1 UPA 2 की आप मदद किया करते थे, उस सरकार से आपने क्यों नहीं ले लिया? देखिए हमारे अभी अभी, अभी 100 दिन सरकार के नहीं हुए, सुनिए, चुनाव के दौरान तक हमें बिजली हमारे हिस्से की मिलती रही। अशोक देव साहब, 100 दिन अभी सरकार के नहीं हुए हैं, आपके सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री अभी गए थे 10 दिन पहले दिल्ली के दौरे पर, उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है, जो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं वो सरकार सुन रही है, बात कर रही है, खुद शिवपाल सिंह यादव साहब का बयान है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो सीधे तौर पर जिस समय पावर क्राइसिस का मसला उठा था, उस समय जो बिजली की डिमांड की गई थी कि हमें 325 मेगावाट बिजली चाहिए, 376 मेगावाट बिजली का सप्लाई का ऑर्डर किया गया था, आपके सामने है, ये लिखा पढ़ी की बात मैं कर रहा हूं, कोल ब्लॉक के लोग करके जिस तरह से पहले से कंट्रोवर्सी है, सारे खदान जिस तरह से बंद हैं, उनको लेकर मुकदमेबाजी का दौर चल रहा है, किस तरीके से खनन निकाले जा रहे हैं आपको पता है, इसलिए कोई चीज आरोप प्रत्यारोप मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने एलिगेशन लगाया, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की सभा में कुछ नहीं बोला था, लेकिन झारखंड की सभा में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने खुद इशारा करके लोगों को बैठने के लिए कहा, अब मंच पे आकर के अपनी गरिमा के खिलाफ अगर कुछ बोलने लग जाएं कि आप बैठ जाएं, क्यों इनको हुट करें, तो शायद और खराब मैसेज जाता, इशारे के तौर पर उन्होंने चुप कराने की जरूर कोशिश की। और जहां तक एक बात सही है कि वो कहेंगे हमारी लोकप्रियता है, उनके आगे कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, और वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से मर्यादा का उल्लंघन है, सरकारी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, ये बात वो हो गई ना। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में इनके नेता अलग अलग शब्द बोल रहे हैं जिसे सांप्रदायिकता फैल रही है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? मैं यही बार बार कह रहा हूं कि जहां चुनाव हो रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, आप देखिए लोग दंगा कराने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको रोका, रोकने का काम किया, लेकिन इनके यहाँ शीर्षस्थ नेतृत्व अपने नेताओं पर कोई लगाम नहीं लगाया, इन्होंने नहीं कहा कि नहीं आप इस तरह के शब्द। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं का इसमें अपना नाम बता दें तो मैं उस पर मैं कुछ बोलूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2 वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो आरएसएस कहती है, और आरएसएस के लोग स्पष्ट कह रहे हैं, हम दो भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता का नाम पूछे, सिर्फ जिसको आप मानते हो वो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी, सीटी रवि आप बताइए कौन है सीटी रवि, बताइए पूरी साहब से मैं पूछ रहा हूँ, दिलीप साहब मंत्री है गोवा के, बताइए क्या कहा उन्होंने, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, देव साहब ने क्या कहा, मुजफ्फरनगर मत भूलना, अशोक देव साहब मैं छोटी सी बात पूछ रहा, भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता जिनको आप समझते हो भारतीय जनता पार्टी के, ये 2 वरिष्ठ नेता कौन है? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नंबर 1, नंबर 2 नरेंद्र मोदी, यही है ना? ठीक है, अमित शाह ने क्या कहा, अमित शाह साहब ने कहा चुनाव के दौरान कहा
कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर कर दिया जाएगा और उस दिशा में इनके नेता लोग काम करना शुरू कर दिए। उमा भारती जी ने वही शब्द के दौरान क्या कहा क्या नहीं कहा उस मसले पे मैंने आप नहीं सरकार बनने के बाद भी कहा गया उमा भारती जी ने सरकार बनने के बाद भी कहा आपसे ही जवाब मांगूंगा उसी के क्योंकि मैं उस बयानों के चक्कर में उलझना चाहता हूँ उस बयान के क्या निहितार्थ हो मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि अमित शाह ने खुद अध्यक्ष बनने के बाद बात कही कि उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी सरकार नहीं है लेकिन उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा है क्योंकि जनता ने उन्हें भी 73 सीटें उनके सहयोगी दलों के साथ चुन कर दी हैं। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे बचा जाए सांप्रदायिक तनाव को लेकर जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं उसको लेकर उनका उद्बोधन है। आप खुद पार्टी को बिलोंग करते हैं आप उनके भाषण को सुने होंगे क्योंकि एक पार्टी की दूसरे अपोजिशन पार्टी पर नजर होती है और खुद नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि सांप्रदायिक तनाव से हटा जाए जो जमीनें लाल करता है उससे कुछ नहीं होता है अपने कंधे पर हल लेकर चलिए जमीन को हरा भरा करिए उससे खुशहाली आएगी। खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका एक उद्बोधन आया कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में यकीन करते हैं राज्यों को जो हक मिलना चाहिए हम राज्य को हक देंगे तो ये चीजें सामने लेकिन क्या लगता है कि कही बात कुछ है और करी गई बात कुछ और है। बिल्कुल है ये कहते हैं कि हम जो है लड़कियों की सुरक्षा करेंगे कहे थे आज भी कहते हैं क्या सुरक्षा दिया केंद्र सरकार ने उल्टे एक बलात्कारी इनके सरकार में मंत्री है क्यों नहीं हटाए उनको तो मैं कैसे कहूं कि ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है कथनी करनी अगर बराबर है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में है और सिर्फ माननीय नेताजी मुख्यमंत्री जी करते हैं। निहाल चंद जी का जिक्र हो रहा है निहाल चंद जी को लेकर के अभी संबंध में तामिल हुआ है परसों खास तौर से जो मसला है आप बार बार इसके बचाव में जरूर कहते हैं कि जो उनको क्लीन चिट दी गई है और गहलोत सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसने क्लीन चिट दी थी लेकिन मसला क्लीन चिट तक नहीं है जो आरोपी महिला उसके आरोप अभी भी बरकरार हैं और कहती है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। आपकी सरकार क्या नैतिकता के आधार पर ही सही उस मंत्री को किनारे करने से क्या परहेज था? देखिए अभी तक उनके ऊपर जो वर्तमान स्थिति है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी कोई सिद्ध स्थितियां नहीं थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो पीड़िता का या प्रकरांतर में न्याय नहीं मिला या जो भी है हम इस बात के ऊपर पूरी तरह से संवेदनशील हैं कि किसी के भी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता वो कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं होगा। और मैं आपसे सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक भी आरोप की स्थिति पर व्यक्ति केंद्र की कैबिनेट में नहीं रहे। परिस्थितियां सीधे तौर पर पहले के नेता अगर एक छोटा सा ट्रेन हादसा भी हो जाता था तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया करते थे लेकिन आज तक की तारीख में आरोप प्रत्यारोप के दौर में बात यह होती है कि वहां पर लाइनमैन की गलती थी कि ड्राइवर की गलती थी सिग्नल ऑपरेटर की गलती थी कोई भी आदमी खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। निहाल चंद के मसले पर भी जिस तरह का 2M दर्जे का बयान सामने आ रहा है कहीं ना कहीं एक चारित्रिक दिवालियापन के कगार पर कहा जा सकता है क्योंकि सरकार में बैठे हों या समाज में बैठे हुए लोग हों उनको उच्च मानदंड स्थापित करना ही होता है क्योंकि वो समाज को आईना दिखाते हैं लेकिन उच्च पद पर बैठे हुए लोग उच्च स्थान पर बैठे हुए लोग अगर ये कहेंगे कि अभी उस तरह की न्याय प्रक्रिया में उनको सजा नहीं मिली है तो फिर वो किसी और पर आरोप लगाने के लायक नहीं होते हैं। परिस्थितियाँ कई और भी हैं और खासतौर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी पृष्ठभूमि बन रही है उसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर में क्या कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। एक चीज तो साफ हो गई है कि खासतौर से 100 दिन की ही सही सरकार हो लेकिन उसके निकम्मेपन या उसके कुछ काम न कर पाने को आधार बनाने वाली है समाजवादी पार्टी क्योंकि उसने कहा कि 14% रेलवे का भाड़ा क्यों बढ़ा उसने सीधे तौर पे कहा कि टमाटर 100 रुपये किलो बिककर लाल क्यों हो गया लेकिन वहीं दूसरा मसला यह भी है कि सियासी जमीन में सांप्रदायिकता का रंग भी घोला जाएगा और उसके आधार पर सियासत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमित पुरी साहब दो आपके सामने चीज़ें हैं आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम 25% महंगाई कम कर देंगे नितिन गडकरी साहब का बयान था जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरकार को मंत्री भी हैं महंगाई कम होने से रही महंगाई बढ़ती जा रही है पहले मौसम ने आपका साथ नहीं दिया और अब सीधे सीधे जैसे कि चीज़ें बढ़ती घटती नजर आ रही हैं उसमें आप पर भी एलिगेशन लग रहे हैं और सीधे तौर पर सांप्रदायिकता जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन ज़्यादा उर्वरक हो रही है उसमें भी आप ही पर आरोप लग रहे हैं कि सियासी रंग को बढ़ावा देने के लिए अपने हक में सीटों को बदलने के लिए आप सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए महंगाई के सवाल के ऊपर मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कार्ययोजना आपको अगस्त के आखिरी से और सितंबर माह के अंदर उस पर कार्रवाई होती हुई सार्वजनिक रूप से दिखाई देगी। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि सांप्रदायिकता का विषय तो आज़ाद हिंदुस्तान में मुझे लगता है राजनीति के अंदर ये सबसे ज़्यादा सरल तरीका रहा है पहले जनसंघ को और बाद में भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता के आरोप से गढ़ दो इस पर स्नोबॉलिंग करो और इसमें से अपने वोट बैंक को पक्का करो। आज तक इतनी सारी परिस्थिति के बावजूद भी 2-2.5 वर्ष से श्रीमान अखिलेश जी की सरकार है दंगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और उत्तर प्रदेश के दंगे एक तरफ। लेकिन मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ और सार्वजनिक रूप से भी कहना चाह रहा हूँ
भाई अगर इतने बड़े पैमाने पे दंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? किसने रोका है? कार्रवाई क्यों नहीं करते? दो NSA लगाए थे आपने और वो निर्धारित प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से क्वेश कर दिए गए और कहा गया गलत लगे थे। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? केवल राजनीति के अंदर इस आरोप को चला करके किसी को बहला फुसला कर ये बताते रहो कि देखो वो खड़े हैं, हम उनको कह रहे हैं और आप हमारे पास आकर के वोट देते रहिए। और फिर और जिनके ऊपर आरोप लगता है उसको नरेंद्र मोदी जी की चुनावी रैली से पहले उन्हें सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था, बताया था, ये वही होनहार चेहरे हैं जिन पर दंगों का दाग लगा था। उससे पहले कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित NSA की प्रक्रिया को तय करने वाली बोर्ड था, बोर्ड ने उसे क्वेश कर दिया। पूरी साहब आप महंगाई सत्य नहीं है, आप ये सत्य नहीं है, सुन तो लीजिए, महंगाई की बात कर रहे थे आप, कब महंगाई आपकी समाप्त करेंगे? आप कैसे महंगाई समाप्त करेंगे? पेट्रोल बढ़ा दिया आपने, डीजल बढ़ा दिया आपने। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं किसानों के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं, तो फिर उद्योगपतियों को 6.25 लाख करोड़ की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? आप बताते हैं हमें राजकोषीय घाटा 5.25 लाख करोड़ का, क्यों नहीं बंद करते हैं उद्योगपतियों का जो दे रहे हैं रियायत, बंद कर दीजिए। और जो आम जनता 95% जनता को जो आप सब्सिडी दे रहे थे 80,000 करोड़ का, वो आप समाप्त क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इस दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास नहीं है कि आप महंगाई दूर कर सकें? आप चाहे जितनी बातें करें, रह गई सांप्रदायिकता की बात, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आपके नेता ये कहें कि हम तुमको तुम्हारे नजरों तुम्हारे चेहरे को अपने आंखों में बसा लूंगा और बाद में बदला लूंगा, ये क्या चीज है? ये किस तरह का लोकतंत्र है? आपके नेता अगर कहें कि नहीं तुम गोधरा भूल गए हो, मुजफ्फरनगर नहीं भूलना, आपके नेता कहें कि नहीं माननीय मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, रह गई बात भैया, रह गई बात कार्रवाई की, कार्रवाई की बात रह गई, कार्रवाई की बात रह गई। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है लेकर के रास्ता लगाने जा रही है। अभी आपने सुना होगा, आपने सुना होगा मुख्य सचिव जी ने कहा है कि जो भी अगर इस तरह के पाए जाते हैं उनके खिलाफ NSA से लेकर सख्त से सख्त कानून उनके खिलाफ तामिल किया जाए। और जो आपके नेता जिनके खिलाफ जो है मुजफ्फरनगर दंगे में किया गया था, आपके नेता मंच पर सम्मानित किया था, विनय राय जी ने भी इस बात को कहा है, तो क्या यही जो है धर्मनिरपेक्षता है? यही तो सांप्रदायिकता है? हमने तो NSA बोर्ड के द्वारा NSA के डिसीजन को क्वेश होने के बाद किया और आपने सरकारी एरोप्लेन से मुजफ्फरनगर से दंगे के आरोपी को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया था और कलेक्टर, ये गलत आरोप है। जांच के बाद जांच में जो पाया गया, जांच में जो भी आरोपी पाया गया, जांच में जो भी आरोपी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, जो भी जांच पाया गया। देखिए आपके दिमाग में, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, आबादी बड़ी है, यहाँ सीटें ज्यादा है, यहाँ ये आते हैं बहुत व्याकुल हैं सत्ता के लिए, इसलिए बार बार यही आपने तो आशंका की गुंजाइश नहीं छोड़ी, आपने सीधे कह दिया दंगा ही कराते हैं। अगर यही कराते हैं और आप सरकार के पक्ष रख रहे हैं, सरकार के आप नुमाइंदों में गिने जाते हैं, तो आपकी सरकार सो क्यों रही है? नहीं सो नहीं खड़ा होता, नहीं सो नहीं, सांप्रदायिकता के पहलू पर आपकी सरकार और आपकी पार्टी में छूती नहीं है। लोकसभा में खुद नेताजी जो आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3-3 बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा क्या बयान दिया जाता है कि अगर आजादी से लेकर आज तक जो देश ने विकास किया है उसमें 80% अगर किसी का योगदान है तो किसान और मुसलमान का है, ये कौन सी सियासत है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बताइए आप बताइए, पूरे देश में आप बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए, हम खाना कहाँ से खाते हैं? किसानी पूरे देश को खाना खिलाता है। अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात है, आप छोटे छोटे जगहों पर देख लीजिए, अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं कौन आपको ढोके ले जाता है, अमरनाथ जाते हैं कौन ढोके ले जाता है, आप जो सिलाई कराते हैं छोटी मोटी, आप बनारस देख लीजिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, उन्होंने कौन सा गलत कहा? मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने यही तो कहा कि इन्होंने भारत निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है, इनको अहम निर्माण नहीं, आपने कहा 80% इनका योगदान है, योगदान रहा है और इसलिए इनको नकारा नहीं जा सकता है। तब तो सियासी जमीन आप खुद तैयार करना चाहते हैं, तो लगता है उस सियासी रोटी पर आपको ही फायदा होने वाला है, इसलिए आपको किसान और मुसलमान की चिंता ज्यादा है, उस किसान की कि जो कि आज आत्महत्या करने कगार पर है, जिस तरीके से चीनी मिल मालिकों के गुंडई के आगे खासतौर से किसान बेबस और लाचार है, वो भी इस प्रदेश की जनता देख रही है।
इसी देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से पूरे पूर्वांचल में मासूम बच्चे दम तोड़ देते हैं, मस्तिष्क ज्वर से ले उसके लिए सरकार का निकम्मापन किस तरीके से सामने निकल कर आता है। इसी पूर्वांचल की जमीन पर देखा जा रहा है कि बार बार हर साल बाढ़ आती है लेकिन बाढ़ से किस तरीके से सैकड़ों लोग अपनी दम तोड़ रहे हैं और लाखों लोग बेघर हो रहे हैं लेकिन सरकार के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। इस प्रदेश की जनता विनय जी जो आप कह रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, भाजपा शासित राज्यों में किसानों ने आत्महत्या ज्यादा किया है। गुजरात मॉडल जिस बात कर रहे हैं 6000 से ज्यादा किसान आत्महत्या किया है, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या नहीं किया है। को भी मत दूसरी चीज बता रहे हैं आपको, आप बुंदेलखंड को भी ना भूलिए। नहीं सुनिए, दूसरी चीज आप जो आत्महत्या की बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट एक लड़का जो है इंदौर में आत्महत्या किया है, गरीबी की वजह से आत्महत्या किया है, भूख भोजन नहीं मिलने से मध्य प्रदेश में आत्महत्या किया है। एक लड़के ने वहाँ क्या, हम ये जाना उत्तर प्रदेश में आखिरी आत्महत्या कब, उसका कोई अगर आपके पास आंकड़ा हो सरकार वो भी बता देंगे आपको। अभी आप कह रहे थे कि बच्चों के लिए वहां पे जो पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी है कि मस्तिष्क ज्वर को कंट्रोल किया है, बाल चिकित्सालय खोल दिया इसने, पीछे के रिकॉर्ड देख लीजिए कितने बच्चे मरे थे। इस समय स्थिति है ज्यादा उस परिस्थिति को मैं समझता हूँ। पूर्वांचल की परिस्थिति के बारे में शायद थोड़ा ज्ञान मेरा भी है और खास तौर से उस दौर को भी मैंने देखा है जब उत्तर प्रदेश में ही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस समय सबसे ज्यादा जब बच्चे मरे तो उसको लेकर किस तरह सियासत की गई थी, मैं वो दौर भी जानता हूं। लेकिन मौत पर सियासत करने की मेरी ना इच्छा है ना मैं उस पर डिबेट करना चाहता हूं। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है अगर कोई आपदा विपदा, क्योंकि एक दिन की बीमारी नहीं है, 35 साल से हर साल 6 महीने से लेकर 3.5 साल के बच्चे दम तोड़ते हैं, उसके लिए सरकार का कंक्रीट प्लान क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। पूरा आप बताइए कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, इस पूरे इलाके में एक मेडिकल कॉलेज, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, आबादी के हिसाब से बात करते हैं लेकिन आपको सैफई में 400 बेड का हॉस्पिटल दिखाई देता है लेकिन आपको क्या पूर्वांचल और बुंदेलखंड में वो गरीब और बेबस किसान नहीं दिखाई देता जो इलाज के लिए तरसता है। उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, किसी सरकार ने नहीं खोला है। और आप आंकड़े दुरुस्त कर लीजिएगा, पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश देश का 3रा स्थान है तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता दिए कहां कहां खोले गए हैं। देखिए बदायूं में खोला जा रहा है, उसके बाद जौनपुर में और बनारस के बगल में चंदौली में 3 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। फैसला हो रहा है राज्य सरकार का फैसला है। बजट हो गया। बदायूं आपकी प्राथमिकता का केंद्र है, पहले भी कहा जाता है या तो इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये याद आता है या तो फिर आजमगढ़ याद आता है। बदायूं और सैफई से हम देश में 3रे स्थान पर नहीं आ सकते, केवल बदायूं सैफई से नहीं आए, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये आंकड़े आप मिला लीजिएगा, मैं पूरी साहबों को भी कह रहा हूँ। दूसरी चीज जो उस क्षेत्र में कह रहे हैं पूर्वांचल में जो बच्चों की मृत्यु होती है बहुत कम हो गई, इसलिए 102-108 जो शुरू किया उसे हमने बच्चों को पहुंचा दिया हॉस्पिटल, बाल चिकित्सालय खोल रहे हैं। दूसरी चीज जो बाढ़ की बात कर रहे थे, मैं पूरी साहब से पूछना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे, अच्छे रिश्ते डेवलप किए नेपाल से, क्या इन्होंने कभी वहां बात करने की कोशिश की कि अगर बाढ़ आएगी, बादल फटेंगे, पानी बढ़ सकता है, आप एकाएक पानी मत छोड़िएगा। आपको याद होगा 1995 के बाद 1995 में 1 लाख क्यूबिक से एक पानी छोड़ा गया था, पूरा पूर्वांचल दह गया था, लेकिन 1995 के बाद सीधे 14 में 2 लाख क्यूबिक से एक पानी छोड़ा गया, क्या पूर्वांचल बह नहीं जाएगा? क्या केंद्र सरकार को इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी को नेपाल से बात नहीं करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मामला है, बात करने नहीं जाएगी, बात कहना चाहिए था कि राम भरण यादव जो राष्ट्रपति है वहां के, वो खुद अखिलेश यादव जी से मिल चुके हैं, नेताजी मिल चुके हैं, तो अगर ये पैरवी की बात है तो नेपाल को इतना बड़ा राष्ट्र नहीं है कि अमेरिका और लंदन की तरह आप बात नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप दूसरे देश से क्यों उम्मीद करते हैं, आप अपना कंक्रीट प्लान क्यों लेके नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जब गए थे नेपाल उन्होंने कहा कि पहाड़ में जवानी और पानी किसी काम नहीं आता, लेकिन अगर ऊपर कोई पानी रहेगा उसको कैसे आप रोक लेंगे? आपने केदारनाथ का आपने हादसा देखा कि अगर बात फटा वहां से तो पूरा जन सैलाब नीचे की तरफ आएगा, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उस मसले में नहीं पढ़ना चाहता मैं, देख करना चाहता हूँ कंक्रीट प्लान कोई है। बाढ़ के 10 इलाकों का दौरा करने में कितना समय लगा? चलिए चलिए, अध्याय और जुड़ा है, हम उस पर भी चर्चा कर ले, क्योंकि पहले सिद्धांतों की राजनीति होती थी, काडर बेस कार्यकर्ताओं की राजनीति होती थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी में तीसरी पीढ़ी का प्रवेश हुआ है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी उससे वाकिफ हैं, और उनके परिवार से रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव जो उनके भाई हैं सक्रिय राजनीति में हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद सांसद हैं, साथ ही धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के सुपुत्र सांसद हैं, अब
खास तौर से उनके मुलायम सिंह यादव के भतीजे के बेटे अब मैनपुरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक ये भी नई प्रक्रिया है, क्योंकि आप देखें जिस नामिनेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं कि शिवपाल यादव जी साथ में शामिल हैं उनके नामिनेशन में, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी का प्रवेश है और शायद देश के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा परिवार होगा जिसकी इतनी मजबूत पकड़ है राजनीति में, उसके रहते रहते हम कह सकते हैं अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव सांसद हैं इस समय लोकसभा में बैठेंगे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में बैठेंगे, धर्मेंद्र यादव बैठेंगे, और ये चुनाव अगर जीतते हैं तो तीन पीढ़ी एक साथ कम से कम आपको लोकसभा में नजर आएगी। क्या कुछ हुआ नॉमिनेशन के बाद, कुछ बयान का दौर भी हुआ, उसको बयान को भी सुन लेते हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है इस चुनाव को लेकर, और पार्टी के सभी नेता शीर्ष नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ता बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। तो घर घर जाकर वोट मांगे तो मुझे उम्मीद है पिछली बार की चुनाव की तरह इस बार भी पार्टी की बड़ी जीत यहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं, कि वो हमेशा से युवा स्वामी पार्टी के साथ था, नीतियों के साथ था, और हमारी कोशिश रहेगी कि युवाओं के लिए अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो रोजगार में हो, जो भी उनकी डिमांड होगी उसको पूरा करने का हम लोग कर सकते प्रयास करेंगे। तीसरी पीढ़ी का प्रवेश समाजवादी पार्टी में, सबसे पहले अशोक देव साहब, अगर ये जीत होती है तो कम से कम आपके लिए होगा कि एक साथ तीन पीढ़ी लोकसभा के अंदर। अशोक देव साहब देखिए, ये परिवार संघर्ष का परिवारवाद है, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। रह गई बात तीसरी पीढ़ी के लिए, तेज प्रताप यादव जी के लिए, तो मैनपुरी के कार्यकर्ता के साथ साथ वहाँ के पूरी जनता उनके लिए चल कर लखनऊ आकर के जबरदस्ती टिकट लेकर के जाकर के उनको लड़ा रही है, ये अच्छी बात है। और जिस तरह से उत्साह है वहाँ के आम जनता में, उसे स्पष्ट हो गया है कि वो चुनाव हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। अमित पुरी साहब, उत्साह काफी है क्योंकि प्रतीक यादव जी के लिए भी आजमगढ़ से बहुत डिमांड आई थी, बहुत लोग आए थे टिकट मांगने के लिए, तो जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का वातावरण है, ये समाजवाद है, लोहिया का समाजवाद है, और खासतौर से छोटे लोहिया तो रहे नहीं जनेश्वर मिश्रा जी, लेकिन नेताजी भी उसी पीढ़ी के नेता माने जाते हैं जहाँ पर समाजवाद को प्राथमिकता दी जाती है, और समाजवाद में जिस तरह से परिवारवाद शामिल हुआ है, उस सियासत को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, परिवारवाद की सियासत कोई भी करे, मैं बड़े सार्वजनिक मंच पे बड़े साहस के साथ और निर्भीकता से कह रहा हूँ, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और कलंक है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, साहस करके कहा है विषय, मैंने उसे भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश से हम गिना देंगे, लेकिन गिनाने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के लिए परिवारवाद सबसे बड़ा अभिशाप और कलंक है। देखिए अशोक देव साहब, मैं कहना चाहूंगा देश की जनता से भी, जब सारी विरोधी पार्टियां कांग्रेस पर निशाना साधा करती थी, उसमें कहती थी कि वंशवाद है तो कांग्रेस में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू गए तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी जब हत्या हुई तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। लेकिन एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि कम से कम गांधी परिवार में यह नैतिकता थी, उनके परिवार का एक व्यक्ति सक्रिय राजनीति में रहता था। जब संजय गांधी जब तक जीवित थे वो सक्रिय राजनीति में थे, संजय गांधी की जब अकाल मौत हुई उसके बाद राजीव गांधी सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन जब राजीव गांधी की मौत हुई तब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आई। सक्रिय राजनीति में उनके रहते थे राहुल गांधी आए, लेकिन प्रियंका गांधी को किनारे रखा गया। और आज भी जिस तरीके से कांग्रेस में दबाव की सियासत होती है, जैसे आपने जिक्र किया कि मैनपुरी से बहुत लोग आए और डिमांड किए, इस तरीके की मांग बार बार प्रियंका गांधी को लेकर उठती है, लेकिन उस परिवार से दूसरा व्यक्ति अभी नहीं आया है। तो जो लोग कम से कम परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया करते थे या उसके विरुद्ध अपनी सियासी रोटी सेक करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, उनके अंदर परिवारवाद ज्यादा हावी हो चुका है। तो आज लोकतंत्र में हमने जानने की कोशिश की कि सियासी रंग किस तरीके से चलेगा, मुद्दा क्या होगा और किस आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे।